सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई का बड़ा फैसला, नहीं करेंगे सुनवाई। कॉमेडियन कुणाल ने सुप्रीम कोर्ट का उड़ाया था मजाक। पॉलिटिकल सटायर करने वाले मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुनवाई होनी है। सीजीआई ने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी, जिसे कोर्ट का अवमानना माना गया था। आखिर कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसा क्या कह दिया था जिसे कोर्ट का अवमानना माना गया? दोषी साबित होने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आपको हम पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यायालय की अवमानना के आरोप में कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कामरा के खिलाफ मामले की सुनवाई का हिस्सा नहीं होंगे। आपको शायद पता ही होगा, कुणाल कामरा का मिस्टर गोस्वामी के साथ सोशल मीडिया पर सालों से झगड़ा चल रहा है, क्योंकि कुणाल पॉलिटिकल सटायर करते हैं, वह सख्ता और मीडिया पर जमकर कमेंट भी करते हैं, जिससे अर्नब जैसे पत्रकारों से उनकी नहीं बनती। 3 साल पहले मुंबई से लखनऊ जाने वाली एक फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी को परेशान करने के बाद उन्हें कई एयरलाइनों द्वारा प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। टीवी जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को एक केस में जमानत मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट किया था और उस फैसले का मजाक उड़ाया था। शीर्ष अदालत ने साल 2020 के एक सुसाइड केस मामले में अर्नब को जमानत दी थी। उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ आदेश देने वाले न्यायाधीशों में से एक थे। दरअसल यह मामला 5 साल पुराना है। साल 2018 में आर्किटेक्ट अर्नब नाइक और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में अर्नब ने अर्नब गोस्वामी का भी नाम लिखा था। सुसाइड के एक हफ्ते के बाद अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में छोड़ दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 मई 2018 को आर्किटेक्ट अर्नब नाइक और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। अर्नब ने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो और उनकी मां फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे थे, क्योंकि उनकी कंपनी के 3 क्लाइंट्स ने उन्हें पेमेंट नहीं किया था, जिनमें अर्नब गोस्वामी का नाम भी शामिल था, और उन पर 83 लाख रुपए न चुकाने का आरोप था। अर्नब की पत्नी ने अर्नब गोस्वामी पर 2018 में FIR दर्ज कराई थी, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण अर्नब को छोड़ दिया गया था। तब महाराष्ट्र में BJP की सरकार थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की 2 जजों की बेंच ने पत्रकार की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की थी और कहा था, अगर हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून नहीं बनाएंगे और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में गोस्वामी को जमानत दी थी। इसके बाद कामरा ने शीर्ष अदालत के खिलाफ जमकर ट्वीट किया था। भारत के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने इन ट्वीट्स को आपत्तिजनक बताया था और उन्होंने कहा था कि कामरा को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1972 के तहत सजा मिले। इसके बाद कामरा ने कहा, उनके ट्वीट उन लोगों के लिए एक मजाक के रूप में थे जो उनके समान धारणा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट के मामले में कामरा ने कहा था कि अपने ट्वीट को लेकर उन्हें कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने माफी मांगने से भी साफ इनकार कर दिया था। कामरा ने कहा था, मैं कई अदालतों के फैसलों से सहमत नहीं होता हूँ और मेरा ये अधिकार है कि मैं अपनी असहमति जताऊँ। तो अब इस सुनवाई में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। अगर इसमें कुणाल कामरा के खिलाफ दोषी होता है, तब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है।